हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, माई सेल्फ सरोज कुमार यादव, आज हम लोग टेस्ट देख रहे हैं फुल लेंथ और इसका थर्ड पेपर है। आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी इज द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ इतना सेंटीमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ हमें कितनी दी गई है, एल ए बी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, और इसका कितना रेजिस्टेंस दिया है ए बी का 10 ओम के बराबर। इट्स कनेक्टेड टू ए सीरीज विथ रेजिस्टेंस इतना, सीरीज में कितने रेजिस्टेंस से 40 ओम से कनेक्ट है। द बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, बैटरी की ईएमएफ इतनी दी गई है। एंड Neglect internal resistance, the source unknown EMF E is balanced by 40 centimeter length of the potentiometer wire value of E, ठीक है। हमें E की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, हमें E की वैल्यू पूछ रहा है कितने पे बैलेंस है 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम लोग करें मेन सर्किट की करंट, मेन सर्किट में निकाल लें तो करंट कितना हो जाएगा, I is equal to पोटेंशियल 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 40 और प्लस 10, ये कितना हो गया 50। आई आ गया इस सर्किट का मेन सर्किट का करंट मेन सर्किट में आ गया। अब क्या करें हम लोग करते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालते हैं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी ए बी इजकल टू हो जाएगा आई, आई कितना है 2/50 इंटू करेंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 10, ये कैंसिल 2/5 के बराबर, ठीक है। पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वी ए बी अपॉन एल ए बी, ये कितना हो जाएगा 2/5 अपॉन, ये कितना सेंटीमीटर है 100 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। और E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है के एल के बराबर। तो E इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ गया है 2/5 और बैलेंसिंग लेंथ कितना है, ये क्या है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। ये 0 डिवाइड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 × 8, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे 1.5/10 इक्वल टू कितना आ गया 0.16 के बराबर। कितनी आएगी पोटेंशियल 0.16 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है फोर्थ, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहे हैं थ्री रॉड ऑफ सेम डायमेंशन है, देयर थर्मल कंडक्टिविटी इतना एंड इतना, दे आर अरेंज इन सोन विद देयर एंड इतना एंड इतना, द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर जंक्शन का, मान लिया हमने यहाँ क्या है टी है, ठीक है, तो लगाते हैं हीट करंट, थर्मल हीट करंट क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कितना है 100 - T इंटू कंडक्टिविटी, इसकी कितनी है थर्मल कंडक्टिविटी 3KA अपॉन एल के बराबर, इक्वल टू इन दोनों का समेशन के बराबर, ये कितना हो जाएगा T - 50 इंटू 2KA अपॉन एल प्लस, इसका कितना हो जाएगा T - 0KA अपॉन एल के बराबर। यहाँ से KA L कॉमन करके, क्या ये KL से कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचा, इधर बचा 300 - 3T इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये के ये भी कैंसिल, यहाँ से कॉमन करके इसको कैंसिल कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 2T - 100 + T के बराबर। ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ये कितना हो गया, ये हमारा -3 इधर आके +3 और 2 5 और 1 6T के बराबर। तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा 400/6, तो 2 से डिवाइड कर दें इसको, ये हो गया 200, ये हो गया 3, 200/3 के बराबर। इतना टेम्परेचर होगा कहाँ का, जंक्शन का टेम्परेचर होगा कितना
200 बाई 3 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है थ्री लॉन्ग स्ट्रेट एंड पैरेलल वायर कैरिंग करंट आर अरेंज एज शोन इन फिगर। द वायर सी विच कैरी ए करंट ऑफ इतना प्लस दैट एक्सपीरियंस नो फोर्स। ठीक है, ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। ठीक, तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या करते हैं, एफ डी सी इजकल टू एफ सी बी के बराबर। ठीक है, कितना हो जाएगा अगर इसके लिए लिखे तो, वायर के लिए कितना होता है, एफ इजकल टू आई बी एल के बराबर। रखते हैं करंट कैरिंग वायर के लिए, ये हमारा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई, आई कितना 15 अपॉन एक्स, 15 अपॉन एक्स इंटू आई कितना है 5 इंटू एल इजकल टू, इसके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 10 बाई, ये कितना है 15 माइनस एक्स इंटू 5 इंटू एल, ये 5L से 5L कैंसिल, म्यू नॉट अपॉन 4 से म्यू नॉट अपॉन 4 कैंसिल। इधर क्या बचा, 15 बाई एक्स इजकल टू, इधर हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 10 बाई 15 माइनस एक्स, इसको डिवाइड करते हैं, ये कितना हो गया 5 टू जा 10 5 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो गया हमारा 15 दिया 45 माइनस 3x इजकल टू, ये कितना हो जाएगा 2x, इधर आ गया तो कितना हो गया, ये हमारा हो गया 5x इजकल टू 45, तो x इजकल टू कितना हो गया 9 सेंटीमीटर के बराबर। कोई आंसर बन रहा है, फर्स्ट देख लो पर अच्छे से। सी वाला क्या कर रहा है, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे बराबर, इसके वजह से और इसके वजह से भी, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है व्हेन एयर इन ए कैपेसिटर इज रिप्लेस बाय मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, कितना के टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा मीडियम में डालने पे, के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटी के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द फील्ड गिवन वन अपोजिट एन इलेक्ट्रॉन फील्ड टू परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड जोन फॉर इस सिचुएशन डी ब्रोगली वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेव लेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी के बराबर। ठीक है, अगर जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो ये वेवलेंथ हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। इसमें क्या है, इंक्रीज इंक्रीज ये कैंसिल, डिक्रीज सेम ये भी कैंसिल डिक्रीज। ये देख लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है तो इसमें क्या कोई डिफ्लेक्शन होता है, जितनी वेलोसिटी से जाता है उतनी वेलोसिटी से, तो ये क्या रहेगा हमारा वेवलेंथ, वेलोसिटी सेम रहेगी तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा सेम, तो कौन सा आंसर हो गया थर्ड, देख लो एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है फोटो सेल आर यूज फॉर, फोटो सेल क्या करता है, ये करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फोटो सेल क्या करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल नहीं लाइट एनर्जी को, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराता है। ठीक, आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड, देख लो एक बार।
नेक्स्ट करें, ए कॉनकेव लेंस इज मेकिंग इमेज एन ऑब्जेक्ट, हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड बाय द ओपेक ऑब्जेक्ट देन, ठीक है, अगर ये कोई लेंस है, ठीक, अगर इसकी इमेज पहले बन रही थी देखा जाए ऐसे, ठीक है, इसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, हाफ ओपेक कर दिया, ठीक है, हाफ इसको कवर कर दिया या ब्लैक कर दिया, ठीक है, तो इमेज अभी भी हमारी क्या बनेगी, इमेज हमारी अभी भी वैसी ही बनेगी, फुल बनेगी, लेकिन इंटेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी, फुल इमेज ऑफ डिक्रीज इंटेंसिटी इज सीन, ठीक है, हाफ इमेज हाफ नहीं, फुल फुल इमेज सेम इंटेंसिटी से नहीं होगी, इंटेंसिटी पहले से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, आंसर कौन सा है, फुल इमेज डिक्रीज इंटेंसिटी इज सीन, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, देख लो, नेक्स्ट कर है, ए कनकेव मिरर एंड कन्वर्जिंग लेंस, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग लेंस ग्लास विथ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इतना, बोथ हैव ए फोकल लेंथ इतना सेंटीमीटर इन एयर, व्हेन दे आर वाटर द न्यू फोकल लेंथ, जब इनको पानी में डाला गया तो पूछ रहा है कि हमसे नई फोकल लेंथ क्या होगी, तो पहली चीज हमारा जो भी मिरर का होता है, मिरर का जो फोकल लेंथ पहले होता है, वाटर में डालने के बाद भी वही फोकल लेंथ रहता है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए 3 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है, लेंस को डालते हैं तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है, तो डालते हैं एफ मीडियम इजकल टू, हमारा रिलेशन होता है एफ मीडियम इजकल टू म्यू मीडियम म्यू लेंस माइनस 1 अपॉन म्यू लेंस माइनस म्यू मीडियम इनटू फोकल लेंथ ऑफ एयर, जो एयर में था, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एफ मीडियम इजकल टू म्यू मीडियम, मतलब वाटर में डाला गया है, ये कितना हो जाएगा 4/3 इजकल टू, लेंस का कितना दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का मतलब 3/2 माइनस 1 अपॉन 3/2 माइनस 4/3 इजकल टू इंटू, ये कितना हो जाएगा, ये दिया हमें 3, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, कॉमन करें 2, तो 2 माइनस 1 ये हो गया 4/3 इंटू 1/2 अपॉन, यहाँ कॉमन करें 6, तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 8 इंटू 3 के बराबर, ठीक है, ये कितना हो गया 6, ये 6 कैंसिल, ऊपर कितना बचा 4, 9 में से 8 गया 1, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा एफ मीडियम, ये 12 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, तो मिरर के लिए कितना होगा 3 सेंटीमीटर और इसके लिए कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, लेंस का 12 सेंटीमीटर इसमें है ये दोनों कैंसिल, इसमें क्या कर रहा है मिरर का भी इतना है, जबकि मिरर का जो होता है फोकल लेंथ कहीं भी डालें पानी में डालें तो इसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से, नेक्स्ट कर रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 1/√LC के बराबर, 1/√LC के बराबर, एवरेज पावर क्या होता है VI cos थीटा के बराबर, ठीक, ये मैचिंग का सवाल है, देख लेते हैं, पहला कह रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1/√LC के बराबर, पहले का थर्ड इसमें है, ये कैंसिल और ये, ठीक है, ये दो ऑप्शन है, ठीक, इसके बाद कह रहा है एवरेज पावर सी का क्या है फर्स्ट किसमें है सी का फर्स्ट वाले में है, इसमें फिफ्थ है, ये भी कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, लेकिन ये भी सब देख लेते हैं, इम्पीडेंस क्या होता है, ये हमारा होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्या है क्वालिटी फैक्टर, ये हमारा क्या है, ये हमारा है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से,
नेक्स्ट करा इन द गिवन फिगर फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पी एंड क्यू. ठीक है, प्रोजेक्टाइल में किसी भी दो पॉइंट का, किसी भी दो पॉइंट की एवरेज वेलोसिटी हमेशा होती है यू कॉस थीटा के बराबर. इसको लर्न रखना है. ठीक है, किसी भी दो पॉइंट की एवरेज वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा के बराबर. कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड. नेक्स्ट कह रहा है वाइब्रेटिंग मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये हमें इक्वेशन दी गई है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन. ठीक है, देखते हैं, बनाते हैं. पहला क्या है 2a cos ओमेगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओमेगा t प्लस थीटा कितना है 0, तो इधर कितना है 2a के बराबर. ठीक है, सेकंड ये क्या है ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, मतलब यहां से कितना चला है पाई बाई 2 और कितना एम्पलीट्यूड हो रहा है a. फिर कह रहा है कि पाई चला मतलब ये पाई मूव किया, तो ये कहां चला जाएगा a के बराबर 180 पे. ये कितना मूव किया है 270, मतलब ये यहां पे कितना a by 2 के बराबर. तो देखते हैं नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये इधर किस कितना है 2a, यहां क्या है a, तो यहां पे रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा a के बराबर 2a minus a, a के बराबर. ये कितना है a, इधर कितना है a by 2, तो इधर भी कितना आ जाएगा a by 2 के बराबर. इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अंडर रूट a by 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर by 4 प्लस a स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर से एक बाहर कॉमन ले लेंगे 5 by 2 के बराबर, a रूट 5 by 2 के बराबर. कौन सा आंसर बन रहा है सेकंड, देख लो अच्छे से. नेक्स्ट a system consisting 3 mass m1 m2 m3 connected by a string passing over a pulley, the mass m1 hanging freely, m2 and m3 are rough horizontal surface. ये कैसा है rough horizontal surface, coefficient of friction कितना दिया गया है यहाँ का, ये दिया है mu, the pulley is frictionless and negligible mass, downward acceleration of m1 is, m1 का हमें पूछ रहा है downward acceleration कितना होगा, सबका मास क्या कर रहा है m है, तो अगर इसका भी मास m हो गया तो इन सबका भी मास क्या होगा m और m, तो इधर इधर अगर ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो कितने से मूव करेगा mg, टेंशन कहाँ लग रहा होगा ऊपर माइनस t इज इक्वल टू ma के बराबर. फिर ये सिस्टम, ये दोनों सिस्टम क्या हो जाएंगे एक ही मान लेते हैं. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टी माइनस, इसको ले जाने वाला फोर्स कौन सा है टेंशन, माइनस इधर कितना लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स म्यू 2mg के बराबर इक्वल टू 2ma. उठा के दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, जोड़ दो, ये इसको कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, यहां mg कॉमन करें तो ये हमारा हो जाएगा mg कॉमन करें 1 प्लस 2 म्यू 1, अच्छा माइनस कर रहा है ना, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस एम जी 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 2 एम प्लस एम 3 एम के बराबर, एम से एम कैंसिल, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा जी 1 माइनस 2 म्यू बाई एम के सॉरी बाई 3 के बराबर. कौन सा आंसर बन रहा है, ये हमारा आंसर बन रहा है थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से. कुछ नहीं करना है हमें, दो इक्वेशन बनानी है. ठीक है, और दोनों इक्वेशन को क्या कर दो ऐड कर दो. नेक्स्ट फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग T1 अपॉन T2 पूछ रहा है. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा T1 cos 30, इधर कितना हो जाएगा
T1 साइन 30, ठीक है। इधर कितना है, इधर है 20 kg, तो इधर हो जाएगा हमारा 20 g के बराबर। रखते हैं, बैलेंस करते हैं इक्वेशन, ये हमारा हो जाएगा T1 cos 30 इज इक्वल टू 20 g। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, T1 इज इक्वल टू रूट 3/2 इज इक्वल टू 20 g। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 g/√3, ठीक है। T1 की वैल्यू आ गई, T2 निकालते हैं, T1 साइन 30 इज इक्वल टू T2। अब T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, 40 g/√3 इंटू साइन की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू T2। यहाँ से हमारा क्या आ गया, T2 आ गया, ये T1, दोनों को क्या करते हैं रेशियो ले लें, तो T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, T1 कितना है 40 g/√3 अपॉन, ये कितना है 40 g इंटू 1/2 अपॉन √3, √3 से √3, 40 g से 40 g, 2 ऊपर चला गया, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2:1 के बराबर आएगा। कोई आंसर बन रहा है, देख लो एक बार अच्छे से, थर्ड देख लो एक बार सवाल को अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है ए एंड बी आर टू वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी के बराबर है, देन वैल्यू ऑफ थीटा, क्या करना है कुछ नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड लिख देना है। ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा, इसको इधर ले आओ, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन ए बी 1 के बराबर, टेन 1 कितने पे आता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट कह रहा है 2.4 ए एंड बी हैविंग चार क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली दे आर प्लेस एट द सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द एफ, ठीक है। एफ क्या होगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, पहले इक्वेशन से। फिर कह रहा है एक 50% चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी, मतलब ए से कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 50%, तो यहाँ कितना बचा होगा, यहाँ बचा होगा क्यू बाई टू, तो यहाँ कितना हो गया होगा माइनस क्यू प्लस क्यू बाई टू, ये कितना आ जाएगा माइनस क्यू बाई टू के बराबर। तो सेकंड रखते हैं, एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को रेशियो ले लेते हैं, दोनों को रेशियो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के से के कैंसिल, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/4 ऊपर चला जाएगा, तो एफ डैश इक्वल टू कितना आ गया f/4 के बराबर, देख लो f/4 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है थर्ड। नेक्स्ट कह रहा है लॉन्ग सोलेनोइड डायमीटर इतना एंड इतना टन पर मीटर एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड कॉइल इज इतना टन एंड रेडियस इतना इज प्लेस विद द एक्सिस कौन सा है, ठीक है, विद सोलेनोइड एक्सिस द करंट इन द सोलेनोइड रिड्यूस द कांस्टेंट रेट इतना 0 फ्रॉम 4 इन इतना सेकंड, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज इतना द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम, इतने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्न पर सेकेंड, N1 पहले कितना दिया है इसके लिए 2×10^4, N2 कितना दिया है, N2 हमें दिया है 1000
इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर वन पॉइंट वन बाई टू, ये हमें क्या दिया है डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.1 बाई टू यानी 1 बाई 20 के बराबर। R2 कितना हो जाएगा, R2 हमारा हो जाएगा 0.01 यानी 1 बाई 100 का बराबर, 1 बाई 100 के बराबर, ठीक है। ये चीजें हमें दी गई है। फिर करंट इन द सोलेनोइड रिड्यूस टू इतना, ठीक, करंट डी आई बाई डी टी कितना है, हमें करंट कितना है 4 माइनस 0 और टाइम कितना लग रहा है 0.05, ये कितना हो जाएगा 4.05, ये गया ऊपर, ये हो गया 8 डी आई बाई डी टी इक्वल टू कितना आ गया 80, ठीक है। di by dt is equal to आ गया 80, तो e is equal to कितना होता है, e is equal to होता है minus m di by dt के बराबर, और m क्या होता है, m होता है तुम्हारा mu not n1 n2 a2 upon l के बराबर। रिप्लेस कर देते हैं तो कितना e आ जाएगा, e is equal to हो जाएगा हमारा mu not n1 n2 a2 upon l into di by dt, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, emf को r से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, e by r करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट, E by R करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट। लेकिन हमें चाहिए क्या, चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है Q is equal to I into T, ठीक है। ये I है, into हम क्या कर दें T, तो हमारा I into T, इतना हमारा क्या था पहले, ये हमारा है, यहां पे लिखते हैं I is equal to E by R, ठीक है, E by R, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mu not N1 N2 A2 upon L DI by DT, ये हमारा हो गया करें। तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हमारा हो जाएगा Q is equal to I into T, ये हमारा कितना आया है I इंटू टी कर देना है, आई कितना है, ये आई की वैल्यू रखते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू एन वन की वैल्यू कितनी दी गई है 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू कितना है 1000 इंटू ए टू हमारा हो जाएगा पाई, और R की वैल्यू कितनी है 1 बाई 100 यानी ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 इंटू di बाई डी टी, di बाई डी टी कितना हो गया 80 अपॉन 1, लेंथ कितना है 1, ये हमारा कितना है ये 10 की पावर माइनस 7 और ये 4 और ये 3 10 की पावर माइनस 7 कैंसिल, तो यहां कितना बचा Q is equal to, ये हमारा हो गया 4 पाई इंटू 2 इंटू पाई 10 की पावर माइनस 4 इंटू 80 के बराबर। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर भी तो होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा R अपॉन R, ये रखना भूल गए थे, ये कितना हो जाएगा 10 पाई स्क्वायर के बराबर, कितना दिया है 10 पाई स्क्वायर के बराबर, यहां रिप्लेस कर दें 10 पाई स्क्वायर के बराबर, ये पाई से पाई कैंसिल, ऊपर कितना हो गया, ये हमारा हो गया 4 दुनी 8 और 8 टाई 64 64 कितना हो गया 64 640 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 10,
ठीक है, ये हमारा हो गया 64 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये 80 हो गया, ये पाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर नीचे से करा दें तो ये हो जाएगा हमारा 64 चार दूनी 8, 8 चौके 32, ये हो जाएगा 3 2 3 2, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 320 माइक्रो कूलम के बराबर। ये 64 नहीं होगा, ये हमारा होगा 32, ठीक है। तो कौन सा आंसर बनता है, सेकंड देख लो अच्छे से, काफी लंबा कैलकुलेशन है। नेक्स्ट करा, ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस रेडियस आर, द रेडियस हाफ देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रेडियस आधे करने से हमारे चार्ज पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमारा फ्लक्स भी क्या रहेगा, रिमेन सेम। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट कर, ए सीरीज एलसीआर सर्किट विद इंडक्टेंस इतना दिया है, कैपेसिटेंस इतना दिया है, रेजिस्टेंस इतना, कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज इतना, ये हमें एसी सोर्स की वोल्टेज की इक्वेशन दी गई। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट इज वी नॉट, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज वी, ठीक है। दोनों हमसे पूछ रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और सोर्स की फ्रीक्वेंसी, तो यहां से सोर्स की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ओमेगा टी, ये कितना दिया है, ओमेगा टी इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई के बराबर, पाई से पाई कैंसिल, एफ इक्वल टू कितना आ गया, 50 के बराबर। इसी को एफ से क्या दिखाया गया है, यहां वी से, म्यू से दिखाया गया है, ठीक है। कितना आ गया, वी इक्वल टू 50। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो होती है ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी, तो 2 पाई एफ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एफ नॉट इक्वल टू 1/2 1 अपॉन अंडर रूट एल, एल की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू ये कितना है, कैपेसिटेंस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये बाहर निकले जा, बाहर निकालेंगे 10 की पावर माइनस 6 तो कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 10, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई 1 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये ऊपर चला गया 10 की पावर माइनस 3, तो 10,000 हो गया, 1000 अपॉन 10 इंटू 2 पाई, 10 से 10, ये 50, तो ये कितना हो गया हमारा, F0 हो गया 50/pi के बराबर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 50/pi के बराबर, इसमें भी है इसमें भी है, और फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 50। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है, टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ एल एज शोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस आर इज ग्रेटर देन एल, वेरी विथ, ठीक है, कितने से वेरी करता है, ई इक्वल टू क्या होता है, ये क्या है, एक डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू के बराबर, ठीक है। E किस पे, के क्यू अपॉन आर क्यू के बराबर, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है 1 अपॉन आर के पावर 3 पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, 1 अपॉन आर के पावर 3 पे। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट, ये सीधे डायरेक्ट फार्मूला है। नेक्स्ट कर, ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास एम इज फायर्ड सो दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज इतना,
at the highest point of projectile explode into two part, m by 3 and itna respectively, and heavier part start falling down vertically with zero initial speed. The horizontal range, the distance from the point of fringe lighter part का, ठीक है, किसका पूछ रहा है? Lighter part का, ठीक? जैसे मान लो यहाँ से एक फेंका गया हो, ठीक, ये highest point पे, कितने में टूट रहा है? m by 4 और 3m by 4. तो ये हमारा कह रहा है कि heavier part कहाँ गिर रहा है? यहीं पे. ये distance कितनी हो जाएगी? r by 2. तो ये भी कितनी हो जाएगी? r by 2. तो पूछ रहा है कि ये छोटा वाला कितनी दूर पे गिरेगा? हमने मान लिया x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हम अगर सेंटर ऑफ मास को कंजर्व कराएं तो ये क्या हो जाएगा? x cm is equal to m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. m1 हैवियर पार्ट का कितना हो जाएगा? 3m by 4 into स्पीड कितनी है? 0 प्लस इसका कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा m by 4, m by 4 into ये डिस्टेंस कितनी है? m by 4 into x upon m by 4 into x upon ये कितना है? ये दूरी कितनी दी गई है? यहां से यहां तक r by 2. ये यहां से यहां तक दूरी कितनी है? r by 2. और ये कितना है? एक बार फिर से लिखते हैं. ये हो जाएगा, ये दूरी ओरिजिन से कितनी हो जाएगी? 3m by 4 into r by 2. और इसका कितना हो जाएगा? प्लस m by 4 into x upon m के बराबर. ओरिजिन से कितना सेंटर ऑफ मास हो रहा है? r दूरी के बराबर. यहां से m कॉमन करते हैं, m कॉमन करेंगे तो m कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल. इधर कितना बचा? इधर बचा हमारा 3r by 8 plus ये कितना हो जाएगा? x by 4 is equal to r के बराबर. इसको इस साइड ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा r minus 3r by 8. 8 कॉमन करते हैं, 8r minus 3r, तो ये हमारा हो जाएगा x by 4 is equal to 8 में से 3 गया, 5r by 8, ये इससे कैंसिल करते हैं, 2, x is equal to कितना हो गया? 5 by 2r, और r की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 4, रिप्लेस करते हैं, 5 into 4 by 2, ये कितना हो गया? 2, x is equal to कितना आ गया? 10 किलोमीटर. तो ओरिजिन से कितने किलोमीटर पे होगा? 10 किलोमीटर पे, ठीक है? कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड. देख लो एक बार अच्छे से. नेक्स्ट. करे बम इज मास, इतना इज रेस्ट, ठीक है? टू पीसेस मास 4 केजी एंड 12 केजी, द वेलोसिटी ऑफ इतना केजी इज इतना, the kinetic energy of the mass is, हमसे पूछ रहा है इस छोटे वाले की kinetic energy कितनी होगी, ठीक है? सबसे पहले इसकी क्या निकाल लें? सबसे पहले इसकी हम velocity निकाल लें, conservation of momentum से. पहले का initial क्या क्या है? 0 into 12 mass into velocity plus mass into velocity v. तो v is equal to कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 12 into 4 upon 4 माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 12 मीटर पर सेकंड. अगर ये राइट जा रहा होगा तो ये छोटा वाला मास कहां जाएगा? लेफ्ट की साइड, ठीक है? तो अब निकालते हैं, क्या निकालना है हमें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इस मास का. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ m v स्क्वायर. हाफ मास कितना है छोटे वाले का? 4 into 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 140 4, ये हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 288 जूल के बराबर, 288 जूल के बराबर. आंसर फर्स्ट. देख लो एक बार अच्छे से. नेक्स्ट.
आइए देखते हैं, इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन इतना ग्राम ऑफ गैस फ्रॉम द वॉल्यूम इतना टू इतना, वर्क डन बाई द गैस इज इतना हमें दिया है, वट इज द रेशियो मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू पूछा है, टेम्परेचर ठीक है, RMS वैल्यू क्या होता है, V RMS इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 3 RT by A के बराबर, और M क्या होता है, ये हमेशा kg में ग्राम में दिया होता है, 10 की पावर माइनस 3 कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक। कैसा है एक्सपेंशन आइसोथर्मली, तो आइसोथर्मली के लिए वर्क डन क्या होता है, ये होता है हमारा दिया है वर्क 207.9 इक्वल टू 2.303 n r t log v2 अपॉन v1 रखते हैं, 207.9 इक्वल टू 2.303 n, मतलब वेट कितना दिया है 10 वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, आर टी लॉग लॉग 2V अपॉन V, ये कैंसिल 2 हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 207.9 इक्वल टू 2.303 10 बाई एम आर टी, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 के बराबर, ठीक है, कितना 0.3 के बराबर, क्या हम RT by M की वैल्यू रख सकते हैं, यहां से इसको इस डिवाइड कर दें तो RT by M कितना हो जाएगा, RT by M हो जाएगा हमारा 207.9 अपॉन 2.3, इसको हम ले रहे हैं 2.3, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 0.3, ये क्या है ग्राम में दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है केजी में, तो केजी में कन्वर्ट करके डायरेक्ट इसमें रख देंगे, ठीक है, इसकी जगह पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये हमारा हो जाएगा 3, इसकी जगह पे 207.9 अपॉन 2.3 इंटू, ये हो जाएगा हमारा 10.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, ये ऊपर ये 3 से 3 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, 100 बाहर निकल गया, 100 बाहर निकल गया तो 100, और ये हमारा हो जाएगा 207.9 अपॉन 2.3 इंटू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अप्रॉक्स 9 के पास, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100 इंटू 3, 300 के आस अप्रॉक्स आसपास कोई आंसर, हाँ 300 के अप्रॉक्स आंसर इतना मीटर पर सेकेंड, इसको देख लेना एक बार सही से और कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा थोड़ा देख लो। नेक्स्ट कर ए बॉडी इज प्लेस एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल से एक कोई बॉडी प्लेस की गई है, ठीक है, तो इसका एमजी वर्टिकली डाउनवर्ड, ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा, ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है, तो कह रहा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा इफ बॉडी रिंग एंड प्लेन इज स्मूथ, अगर ये स्मूथ होगा तो ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, ये कैंसिल, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा g sin थीटा के बराबर, ठीक है, तो पहले का इसका क्या आ जाएगा फर्स्ट, ठीक। फिर कह रहा है एक्सीलरेशन, अगर ये अगर कोई रफ सरफेस हुआ रफ, तो हमारा यहाँ थीटा है, ये ब्लॉक है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ इधर कितना लगेगा mg sin थीटा, अगर ये mg है तो ये कितना हो जाएगा ये थीटा, तो ये mg
कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ बैलेंस करते हैं, एम जी साइन थीटा माइनस, और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन, एन कितना हो जाएगा, एन हमारा हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के बराबर इक्वल टू एम एन, एम कॉमन करके कैंसिल, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा के बराबर। यहाँ से जी कॉमन कर लें, जी कॉमन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन कब हो रहा है, जब बॉडी क्या है रफ सरफेस से मूव कर रही है। ठीक है, बॉडी इज रेक्टेंगल ब्लॉक एंड प्लेन इज रफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है बॉडी सिलेंडर है। ठीक है, ये क्या है सिलेंडर है, तो ये हमारा किसका केस हो गया, ये हमारे वही केस हो गई जो हम निकालते हैं किसमें रोटेशन में। एक्सेलरेशन क्या होता है जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस आई सी एम बाई एम आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये आ गया जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस सिलेंडर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम आर स्क्वायर बाई टू बाई एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर से ये कैंसिल, ये थ्री बाई टू ऊपर जाके टू जी साइन थीटा बाई थ्री के बराबर। ठीक है, ये किसका केस बन रहा है थर्ड का, मतलब आर का क्या हो गया टू, इसका कितना हो गया थर्ड, आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज मेजर बाय मेजरिंग द मास एंड लेंथ इट्स साइड, मैक्सिमम एरर मेजरमेंट मास एंड लेंथ आर इतना, मास और लेंथ की इतने दी गई है। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का हमसे पूछा है, डी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 by 3 by r क्यूब। एरर हमेशा क्या होता है जुड़ता है, मास के लिए कितना है 4 प्लस ये कितना है r 3 into r के लिए कितना है दिया है 3, ये कितना हो जाएगा 9 4 13% के बराबर। मैक्सिमम एरर डेंसिटी के लिए कितना हो जाएगा 13% के बराबर, कौन सा आंसर सेकंड देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है इफ पार्टिकल आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी द मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी, ठीक है मैक्स अगर वेलोसिटी सेम हो गई तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच बाई एम वी, अगर वेलोसिटी सेम हो गई तो मास देखेंगे, जिसका मास जितना ज्यादा कम होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो मास किसका कम होता है कम होगा, सबसे ज्यादा मास किसका होगा अल्फा पार्टिकल देन न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, और सबसे कम किसका होगा बीटा पार्टिकल का, तो सबसे ज्यादा डी ब्रोगली वेवलेंथ किसका होगा बीटा पार्टिकल का, आंसर थर्ड देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है इन द गिवन फिगर ए डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू इतना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया है 100 ओम एंड ईएमएफ इतना वोल्ट, बैरियर पोटेंशियल डेवलप, बैरियर पोटेंशियल कितना डेवलप हो रहा है 0.5 का 0.5, द करंट इन द सर्किट, हमसे पूछ रहा है सर्किट का करंट क्या होगा, सर्किट का करंट क्या होगा, हमारे पास इतनी पोटेंशियल है और इसको रोक कितना रहा है 0.5 से, तो बची कितनी करंट, ये हमारा होगा 3.5 माइनस 0.5 बाई आर 100, तो ये कितना हो जाएगा 3 बाई 100। ठीक है, मिली एम्पियर में कह रहा है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये कितना हो जाएगा 30 मिली एम्पियर के बराबर, करंट कितना हो जाएगा 30 मिली एम्पियर के बराबर, कौन सा आंसर हो गया 4 देख लो।
नेक्स्ट कह रहा है स्फीयर ऑफ मास एम मूविंग विद ए वेलोसिटी वी इंटर हैंगिंग बैग ऑफ सैंड एंड स्टॉप द मास ऑफ द बैग इज कैपिटल एम इज राइज बाई हाइट एच देन द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर वाज हमसे स्फीयर की वेलोसिटी पूछ रहा है यानी सिस्टम की वेलोसिटी पूछ रहा है पहले कुछ ऐसे कोई बॉब रहा होगा ठीक है उसके बाद कितनी हाइट ये एच हाइट मूव किया मास कितना है वेलोसिटी मास एम भी वेलोसिटी से कोई पार्टिकल है जा रही है ठीक है क्या करें इसका मास कितना है कैपिटल एम पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें तो इसका कितना हो जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम वी इक्वल टू जब ये टकराएगी तो टकरा के दोनों का मास क्या हो जाएगा जब ये जब बुलेट बुलेट क्या है स्फीयर जब ये स्फीयर इसमें टकराएगा तो इसमें क्या हो जाएगा इंटर करके दस जाएगा तो अब क्या हो जाएगा इन दोनों का मास हो जाएगा टोटल मास कैपिटल एम प्लस एम इक्वल टू वी और वी कौन सी होगी वी सिस्टम इस सिस्टम की वेलोसिटी आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट अब क्या करें हमारा एनर्जी क्या होता है कंजर्व अब एनर्जी हम कंजर्व करा रहे हैं सिस्टम के लिए तो ये कितना हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम एम कितना हो जाएगा इस टाइम टोटल कैपिटल एम स्मॉल एम वी सिस्टम स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी कैपिटल एम स्मॉल एम जी एच के बराबर कितना हाइट गया है जी एम जी एच के बराबर ये एम एम से एम कैंसिल तो वी सिस्टम स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया टू जी एच तो वी सिस्टम कितना हो जाएगा वी सिस्टम हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच के बराबर अगर हम इसको यहाँ पुट कर दें इसको यहाँ पुट कर दें तो हमें इसकी स्फीयर की वेलोसिटी मिल जाएगी तो ये कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा वी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी सिस्टम कितना आया है अंडर रूट टू जी एच अपॉन इसका मास स्मॉल एम के बराबर ये हमारा हो गया वेलोसिटी स्फीयर की कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट देख लो अच्छे से नेक्स्ट वॉटरफॉल फ्रॉम ए हाइट इतना मीटर एट द रेट इतना केजी पर सेकेंड ऑपरेट ए टर्बाइन द लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स इतना परसेंट ठीक है फ्रिक्शन के कारण कितना लॉस हो जा रहा है इतना परसेंट का तो बचा कितना होगा 90% हाउ मच पावर जनरेटेड बाई टर्बाइन टर्बाइन कितना पावर जनरेट करेगी पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी एच बाई टी के बराबर एम बाई टी हमें दिया है कितना 15 इंटू जी 10 एच कितना है 60 मीटर 15 छक्के 90 इतना हमारा पावर आ गया इतना वॉट ठीक है इतना वॉट पावर आ गया लेकिन इसमें से लॉस कितना हो रहा है 10% तो इतने का 10% कितना होगा इतना इंटू 10 बाई 100 ये 1010 तो लॉस कितना हुआ 900 वॉट का तो यहाँ बचा कितना यहाँ बचा हमारा 9000 माइनस 900 इक्वल टू कितना आ जाएगा पी इक्वल टू 8100 वॉट के बराबर ठीक है 8100 वॉट के बराबर मतलब ये हमारा 90% इफिशियंट इतना होगा हमने पहले पूरा निकाला 100% फिर 10% निकाल के इसको घटा दिए किसमें दिया किलो वॉट में दिया है तो 1000 से डिवाइड कर दें तो 1000 से डिवाइड करेंगे 8.1 किलो वॉट के बराबर थर्ड नेक्स्ट कर
थ्रू कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर फोर वैलेंसी, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इच देयर बैंड स्ट्रक्चर लीड टू द एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या होगा, एनर्जी गैप किसका सबसे ज्यादा, कार्बन सिलिकॉन देन जर्मेनियम, ठीक है। ये हमारा होता है कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम, कौन सा आंसर है, कार्बन देन सिलिकॉन फिर जर्मेनियम, आंसर सेकंड। देख लो नेक्स्ट, द एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाइंग व्हील इतना रिवोल्यूशन पर मिनट, ये हमें क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ, 2 पाई ये कितनी दी गई है फ्रीक्वेंसी, 120 पर मिनट दिया है, पर सेकंड बाई 60, ये कितना हुआ 2, 4 पाई के बराबर, कितना आ जाएगा 4 पाई के बराबर, कौन सा आंसर हो गया। देख लो बार चीजें, नेक्स्ट टू एंड ऑफ ए रॉड लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कीप एट द टू टेम्परेचर T1 एंड T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, dQ by dT is equal to KA T1 minus T2, KA T1 minus T2 by L के बराबर, ये हमारा क्या होता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dQ by dT थ्रू द रॉड, ठीक है, स्टडी स्टेट में। तो ये डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूला ही है, कौन सा है देख लेते हैं, फर्स्ट नहीं ए बाई एल होगा, ठीक है, ये भी नहीं, आंसर 4, देख लो एक बार अच्छे से, यही हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है। नेक्स्ट कर रहा है, ए ग्लास प्लेट लाइट वेव इंसिडेंट एट एंगल इतना, इंसिडेंट एंगल कितना है, आई इक्वल टू 60 डिग्री, द रिफ्लेक्टेड टू द रिफ्रैक्टेड वेव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपस में कैसे हैं, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, इंसिडेंट इतना है तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा 30 के बराबर, रिफ्लेक्शन एंगल, तो हमसे क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू क्या होता है, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर, ये कितना हो जाएगा, साइन 60 अपॉन साइन 30, 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2 अपॉन 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, रूट 3 के बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा, रूट 3 के बराबर, कौन सा आंसर हो गया सेकंड, देख लो। नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 एंड 2, ठीक है, मैच करना है, हमें क्या कह रहा है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का कितना होता है डायमेंशन, प्लैंक कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा एम वी के बराबर, लैम्डा क्या होता है लेंथ एल, एम वी का क्या होता है एल टी पे माइनस वन, एम एल टी पे माइनस वन, सॉरी एम एल स्क्वायर टी पे माइनस वन, पहले का क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पे माइनस वन, पहले का सेकंड। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका एम वी का क्या होता है एल टी, एल टी का स्क्वायर करेंगे एल टी पे माइनस वन का स्क्वायर, एल स्क्वायर टी पे माइनस टू के बराबर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी का हमारा आ गया एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू, ठीक है, पहले का सेकंड, पहले का सेकंड केवल किसमें है, इसमें, दूसरे का थर्ड, हमारा आंसर क्या आ गया सेकंड, ठीक है। ऐसे सबका निकाल सकते हैं, लीनियर मोमेंटम क्या होता है एम बी, इसका क्या हो जाएगा एम एल टी पे माइनस वन, ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ई इक्वल टू क्या होता है वी बाई डी, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी के बराबर, और इसको तोड़ सकते हैं ई इक्वल टू
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स इंटू ई इज इक्वल टू क्यू एफ, एफ ये होता है हमारा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई क्यू के बराबर, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। क्यू का क्या होता है एटी, इसका क्या होता है एम एल स्क्वायर टी पे एम एम एल टी पे माइनस टू, ठीक है, रिप्लेस करके निकाल लेंगे इसको भी, ठीक। तो कौन सा आंसर हो गया सेकेंड, नेक्स्ट ये हमें रिएक्शन दी गई है, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, बाइंडिंग एनर्जी सबकी दी गई है ए बी सी, द एनर्जी ऑफ मेगावाट रिलीज इन द रिएक्शन, ठीक है। एनर्जी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एनर्जी के रिस्पेक्ट में होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मास के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मास के रिस्पेक्ट में होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या दिया है एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी प्रोडक्ट का कितना दिया है सी, सी माइनस रिएक्टेंट क्या है ए माइनस बी के बराबर, कौन सा आंसर बन रहा है सेकेंड, देख लो नेक्स्ट। द लॉजिक गेट सर्किट विद टू इनपुट ए बी इनपुट सी, ठीक है, ए बी इनपुट दो हैं आउटपुट सी है, ठीक है, कह रहे हैं लॉजिक सर्किट गेट, ठीक, ए को, ए को ए क्या था जीरो जीरो, ए को क्या लिए हम जीरो जीरो, तो हमारा आउटपुट भी क्या आया जीरो, हमने ए को क्या किया है वन, ए को कितना किया है वन, बी को जीरो, तो आउटपुट कितना आ रहा है वन, ए को वन जीरो तो आउटपुट वन आ रहा है, फिर इसको वन तो ये भी वन, वन वन तो वन आ रहा है, ठीक है, इस पे जीरो वन पे वन, जीरो वन पे वन, ठीक है, ये किसका ट्रूथ टेबल है, जीरो जीरो पे जीरो देता है बाकी सब पे वन, जीरो जीरो पे जीरो कौन देता है और गेट, जीरो जीरो पे जीरो देता है और गेट बाकी सब पे वन देता है, ठीक है, देख लो नेक्स्ट। कर ए ब्लॉक इज लाइंग लेइंग स्टैटिक ऑन द फ्लोर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फोर्स, एक कोई ब्लॉक है रखा गया है इस पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम कितना लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन का, और इस पे एक हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा रहे हैं 8 न्यूटन का, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, अगर स्टैटिक फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, स्टैटिक फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है तो वही फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो, ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन के बराबर। नेक्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर इज 9 टाइम्स, कितना कॉपर का 9 टाइम्स दैट द स्टील, ठीक है, अगर ये 9K है, ये K है तो ये 9K। कंपोजिट सिलिंड्रिकल बार शोन इन द फिगर, व्हाट विल बी द टेंपरेचर एट द जंक्शन ऑफ द कॉपर एंड स्टील, इसके जंक्शन पे क्या टेंपरेचर होगा, हमने मान लिया T, ठीक है, रेट ऑफ हीट फ्लो दोनों का क्या करते हैं सेम 100 माइनस टी इंटू इसका कितना है के कंडक्टिविटी 9K ए बाई एल इक्वल टू, इसके लिए टी माइनस जीरो के ए बाई एल कितना दिया है, एल हमारा दिया है 18, इसके लिए
18, इसके लिए कितना है 6, के से के कैंसिल, ये कितना हो गया 36, 18, 3 टाइम्स गया, ये 3 3 9, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा 300 - 3t = t, तो 40 = 300, t = कितना हो गया 300/4, तो t = कितना आ गया, इसको डिवाइड करें 7 * 28 और 7 * 5 = 35, 75 degree। जंक्शन का टेम्परेचर कितना आ गया 75 डिग्री के बराबर। आंसर फर्स्ट देखो, नेक्स्ट। हेलो, इन गिवन डायग्राम शोन फोर प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक। द करेक्ट असाइनमेंट ऑफ द प्रोसेस इन द सेम ऑर्डर इज गिवन बाय, ठीक। ये क्या है, ये हमारा है, ये क्या है, आइसोबैरिक, ये क्या है आइसोथर्मल, ये हमारा है एडियाबैटिक, और ये क्या है आइसोकोरिक। तो सब सीक्वेंस में पूछा है, ठीक है। पहले आइसोकोरिक, आइसोकोरिक कौन सा है, डी, आइसोकोरिक डी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आइसोबैरिक, आइसोबैरिक क्या है, ए ए ए। फिर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल क्या है, बी, इसमें क्या है सी, कैंसिल बी, आंसर कौन सा हो गया फोर्थ, देख लो एक बार। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास ये एंड ए प्रोटॉन ऑफ मास इतना आर एक्सीलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन अल्फा पार्टिकल दैट एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, एच बाई अंडर रूट 2qvm, जब क्या हो पोटेंशियल डी ब्रो पोटेंशियल सेम हो, तो किस पे डिपेंड करेगा, एल डी ब्रोगली वेवलेंथ 1/√m पे, ठीक है। तो हमें किसका रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है डी ब्रोगली वेवलेंथ का अल्फा, अल्फा पार्टिकल एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन इक्वल टू √m मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल के बराबर, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, किस पे डिपेंड कर जाएगा, 1/m पे, कौन सा आंसर हो जाएगा फोर्थ, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है यंग एक्सपेरिमेंट, वन सोर्स एंड टू स्लिट, वन ऑफ द स्लिट इज कवर, एक स्लिट को हम कवर कर देंगे किससे, ब्लैक पेपर से, देन नो फ्रिंज विल बी डार्क, कोई भी फ्रिंज डार्क नहीं होगी, ठीक है। द फ्रिंज विल बी नैरो, द फ्रिंज विल बी ब्रॉड, नो फ्रिंज विल बी ऑप्टेंड एंड द स्क्रीन, कोई भी हमारी फ्रिंज जो होगी स्क्रीन पे ऑप्टेंड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ए बी गिवन व्हेन डायोड आर इन रिवर्स वाइज, डायोड कैसे लगे हैं रिवर्स वाइज, यानी करंट यहां से जब निकलेगी तो ऐसे जाएगी इधर नहीं, ठीक है, ऐसे ऐसे इधर भी करंट फ्लो नहीं करेगी, ऐसे ऐसे, ठीक। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तीनों ये कैसे लगे हैं सीरीज में, तो 3, 2, 5 और 1, 6 के बराबर, तो आर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + 2 + 1 = 6 ओम के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट।
नेक्स्ट इन द फिगर वन एंड टू टू वाइब्रेटिंग एयर कॉलमन आर सेम लेंथ आर शोन इन द फिगर द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी टू केसेस. हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है फ्रीक्वेंसीज का. ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप का रेशियो क्या होता है फ्रीक्वेंसीज का, एन वन इज टू एन टू इज टू एन थ्री डॉट डॉट डॉट. ये क्या आता है, ऑड रेशियो आता है, वन इज टू थ्री इज टू फाइव इज टू सेवन इज टू नाइन इज टू आगे डॉट डॉट डॉट. ठीक है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसीज का रेशियो होगा किसमें, क्लोज ऑर्गन पाइप में. कितना होता है, वन इज टू थ्री इज टू फाइव इज टू सेवन इज टू वन. तो कौन सा आंसर हो जाएगा देख लेते हैं, हमें रेशियो पूछ रहा है फ्रीक्वेंसीज का, तो ऑड क्या है थ्री इज टू फाइव, कौन सा आंसर हो जाएगा सेकेंड. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस करेक्टली, कौन सा कर्व करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, पॉजिटिव से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, निगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं. यहां से ओरिजिनेट हो रही है, निगेटिव से भी क्या हो रही है ओरिजिनेट, ये कैंसिल. निगेटिव पे क्या होती हैं टर्मिनेट. ठीक है, कंडक्टर के हमेशा क्या होती हैं परपेंडिकुलरली, जो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलरली निकलती हैं. ये क्या हो रहा है टेंजेंट के फॉर्म में निकल रहा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल. कंडक्टर पे हमेशा परपेंडिकुलरली रेज निकलती हैं. ये दोनों क्या कर रहा है ओरिजिनेट कर रहा है, ये हो सकता है. इसमें इसमें पॉजिटिव ओरिजिनेट कर रहा है, निगेटिव भी ओरिजिनेट कर रहा है, ये भी कैंसिल. आंसर क्या हो जाएगा थर्ड. नेक्स्ट द एलिवेटर शोन इन फिगर गोइंग वर्टिकली अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन ऑफ जी बाई फोर. If the pulley and the string are light and the pulley frictionless, the tension in the string AB, AB में हमसे tension पूछ रहा है. ठीक है, AB में कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा tension T is equal to 4 M1 M2 G, यहाँ पे क्या हो जाएगा effective upon M1 plus M2 के बराबर. ये ऊपर जा रही है तो सीडो फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ. ग्रेविटी भी कहाँ है, पीछे की तरफ. तो G प्लस G बाई फोर जुड़ जाएंगे, G इफेक्टिव आ जाएगा. 4 इंटू मास पहले कितना है 2 इंटू 3 इंटू ये कितना हो जाएगा G प्लस G बाई फोर अपॉन 2 और 3 5. ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉमन हुआ तो ये हमारा हो जाएगा 4 और एक 5 जी अपॉन 4 बाई 5, 5 से 5 4 से 4 कैंसिल, 3 दूनी 6 6 जी के बराबर. कितना होगा टेंशन 6 जी के बराबर, कौन सा आंसर होगा थर्ड देख लो अच्छे से. नेक्स्ट कर रहा है फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर सर्कुलर सेक्शन ऑफ रेडियस आर बाई टू इज कट आउट. ठीक है, आर बाई टू का सेक्शन कट के हम निकाल दे रहे हैं. ठीक है, देन द सेंटर ऑफ द होल इज आर बाई टू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क. ओरिजिनल डिस्क से आर बाई टू पे इसका सेंटर हो रहा है. लोकेटेड सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिजल्टिंग बॉडी फ्रॉम ओ इज, ओ से कितना रिजल्टेंट होगा. ठीक है, तो क्या करते हैं हम सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास निकाल देते हैं इसके अबाउट. एक्स सी एम इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू. ठीक है, पहले मास कितना था डिस्क का पूरा एम, मास कितना था पूरा m और इसकी डिस्टेंस कितनी है जीरो. ये कितना हो जाएगा माइनस, यहां से कितना है रिड्यूस मास r बाई टू है तो m बाई फोर
ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि ये इतना क्या हो गया है, रिमूव कर दिया गया, इनटू आर बाई टू अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हमारा हो जाएगा एम माइनस एम बाई फोर के बराबर। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस एम आर अपॉन एट, ये हो जाएगा हमारा थ्री एम बाई फोर, ये कितना हो गया टू एम से एम कैंसिल, माइनस आर बाई सिक्स के बराबर। ठीक है, ये कहां लाई करेगा, माइनस आर बाई सिक्स यानी इसके पीछे की तरफ माइनस आर बाई सिक्स पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आर बाई सिक्स के बराबर। देख लो नेक्स्ट, इफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव, इतना दिया है हमें हाफ लाइफ, अप्रोक्सीमेट टाइम इंटरवल टी टू माइनस टी वन बिटवीन द टी टू व्हेन, इतना डीके, टी वन कितना डीके कर रहा है टू बाई थ्री, टू एन बाई थ्री इक्वल टू एन जीरो ई पावर माइनस लैम्डा टी वन, फिर हो रहा है वन बाई थ्री एन बाई थ्री इक्वल टू एन जीरो ई के पावर माइनस लैम्डा टी टू। ठीक है, वन और टू हमसे पूछ रहा है टी टू माइनस टी वन, क्या करते हैं दोनों को डिवाइड करते हैं, ये वन बाई थ्री से वन बाई थ्री गए, एन जीरो से एन जीरो एन नॉट से, ऊपर क्या बचा टू इक्वल टू ई की पावर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस, यहाँ माइनस तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो लैम्डा टी टू माइनस टी वन, बेस ई है तो क्या कर ले लॉग, इधर भी ले लें लॉग एल एन टू इक्वल टू लैम्डा टी टू माइनस टी वन, तो टी टू माइनस टी वन इक्वल टू एल एन टू बाई लैम्डा, एल एन टू बाई लैम्डा क्या होता है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के बराबर, तो टी टू माइनस टी वन क्या आ जाएगा हाफ लाइफ के बराबर, कितना होता है हाफ लाइफ कितना दिया है 20, तो इसमें भी कितना आ जाएगा 20 मिनट के बराबर, कौन सा आंसर हो गया थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट अपोजिट डायरेक्शन एज शोन, वन कंडक्टर्स कैरी ए करंट 10 एम्पियर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, करंट आई इज एट adjacent so that the magnetic field at P is at the distance of 5 cm to original is itna the value of I, humse kya pooch raha hai value of I, theek hai, iski wajah se kitna ho jayega yahan pe, iski wajah se dono ki wajah se dekhte hain, agar iski wajah se nikale to net force kitna ho jayega ek upar niche 0 ke barabar, isko karte hain to ye hamara ho jayega म्यू नॉट अपॉन टू पाई, आई कितना है 10 बाई 5, डिस्टेंस कितना है 5 इक्वल टू सेकेंड के लिए म्यू नॉट अपॉन टू पाई, करेंट हमें निकालना है, डिस्टेंस कितना हो रहा है डी प्लस 5, ये म्यू नॉट बाई 2 कैंसिल, ये कितना हो गया 2, इधर ये गया तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा डी, कितना दिया है डी दिया है हमारा 10 और 5 15, 15 इंटू टू 30 के बराबर, कितना आ जाएगा 30 एम्पियर के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड, देख लो नेक्स्ट, कह रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन इतना वाट टेम्परेचर, इतना द टेम्परेचर एट द रेडिएशन पावर इज, रेडिएशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, पहले कितना है इतना
पहले अपॉन सेकंड का निकालना है, पी डैश इक्वल टू टी वन। टी वन कितना दिया है, ये दिया है 227, यानी ये कितना हो गया 273 ऐड करेंगे 500 केल्विन। 500 अपॉन 727 यानी 273 ऐड करेंगे 1000 के पावर 4, ये कितना गया 2। 2 का 4 टाइम्स करेंगे 16 इंटू 2, पी डैश इक्वल टू कितना आ गया 32 के बराबर। 16 × 32 320 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया थर्ड, देख लो। नेक्स्ट वायर ऑफ इनिशियल लेंथ एल एंड रेडियस आर स्ट्रेच बाई लेंथ एल एंड अदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट द इनिशियल लेंथ 2L, रेडियस 2R और लेंथ 2L, द रेशियो ऑफ द स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी क्या होता है, U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू स्ट्रेन फर्स्ट अपॉन स्ट्रेन सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, इंक्रीज लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। पहले के लिए क्या है, एल अपॉन कैपिटल एल, इसके लिए कितना हुआ 2L अपॉन 2 कैपिटल L, इन सब का क्या है स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर अपॉन, ये कितना हो जाएगा, ये 2 है 2L कैपिटल L, ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 4L स्क्वायर इंटू L स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर, स्मॉल L से स्मॉल L, 1:1 के बराबर। कितना आ जाएगा 1:1 के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, द अर्थ इज अज्यूमिंग टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस R, प्लेटफॉर्म इज अरेंज एट ए हाइट R फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इज FB, where the escape velocity of the surface of earth is the value of F। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू पूछ रहा है, इसके वेलोसिटी क्या होते हैं अर्थ सरफेस पे, √2gm/r के बराबर। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे कितना हो जाएगा, मान लो k v is equal to √2gm और कितना है hr स्फीयर, assuming to be स्फीयर रेडियस r। ठीक है, प्लेटफॉर्म अरेंज हाइट R, तो ये कितना हो जाएगा R प्लस R, कितना हाइट h हाइट पे, तो ये हमारा कितना हो गया, तो यहाँ से k कितना आ जाएगा, k इक्वल टू हमारा आ जाएगा, इसको डिवाइड करें तो ये हमारा आ जाएगा √2gm/2r upon g 2gm/r, ये 2gm कैंसिल, ये r r कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1/√2 के बराबर। कितना हो जाएगा 1/√2 के बराबर। ठीक है, इसमें क्या है F दिया है, ये के क्या हो जाएगा F के बराबर। ठीक हो गया, देख लो अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।